तो ये वाली वीडियो होने वाली है सबसे एडवांस टेक्निक के ऊपर जो क्लोज रेंज में यूज़ होती है। एक प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो मैंने खुद से ही डेवलप किया है बहुत सारे क्लोज रेंज फाइट्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर लेने के बाद में। एंड लिटरली गाइस, अगर आपने इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझ लिया और उस पर हल्का सा भी वर्क कर लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी क्लोज रेंज चाहे जितनी भी बढ़िया हो इम्प्रूव होगी ही होगी। तो इस प्रिंसिपल में हम बात करने वाले हैं लाइन ऑफ फायर की, जिसके बारे में लोग पूरी तरीके से भूल जाते हैं क्योंकि उनका फोकस इतना ज्यादा रहता है कि बस उनको जिगल देना है। कोई भी क्लोज रेंज फाइट है मतलब उनको जिगल देकर ही लेनी है। तो वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत डेप्थ में समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। और अगर आप चैनल पे नए होते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों का गोल है 100K का, बहुत ज़्यादा हम करीब हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मिला देना चाहता हूँ जेनी से, जिसका दूसरा चैनल है ये, जिसका फर्स्ट चैनल था उस पर 6000 सब्सक्राइबर तक इसने गेन कर लिए थे, लेकिन वो धीरे धीरे डेड हो गया था। और इस बेचारे के यार दूसरे चैनल पर केवल 17 सब्सक्राइबर हैं, 2 महीने से लगातार वीडियोज़ डाल रहा है और बहुत अच्छा इसका गेम प्ले है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसकी मोंटाजेस देखने में भी। तो यार इस बंदे को सपोर्ट पूरा दिखाइएगा और कमेंट में लव फ्रॉम सेलो प्यार में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको इसका कॉन्टेंट पसंद आता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो अगर आप लाइन ऑफ फायर का मतलब ही नहीं समझते हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर जो सामने वाला बंदा था वो मेरी लाइन ऑफ फायर में आ गया, मतलब जहाँ मैं फायर कर रहा था उसकी लाइन में आ गया। मतलब इस पॉइंट पे मैं राइट साइड में फायर कर रहा था और एनिमी भी राइट साइड में आ गया। वो हल्का सा भी अगर लेफ्ट में ही चला गया होता तो वो मेरी बुलेट्स पक्का डॉज करता और मेरे को मार भी देता। अब एक सबसे ज्यादा ईजी तरीका जो ज्यादातर प्लेयर यूज करते हैं लाइन ऑफ फायर से बचने के लिए, वो है ये। अब आप मेरा पॉइंट इससे पक्का नहीं समझोगे तो पहले ये वाला एग्जांपल देखिए। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो जो मेरा लाइन ऑफ फायर है वो भी सामने की तरफ है और जो क्रॉस हेयर है वो भी सामने की तरफ है, जबकि जो मेरा एनिमी है उसका क्रॉस हेयर तो मेरी तरफ होगा लेकिन उसका जो लाइन ऑफ फायर है वो इस टाइम पे राइट साइड की तरफ है। तो पॉइंट केवल सिंपल सा है कि जब आप फायर करना स्टार्ट करते हो उसके बाद जाकर आपका जो क्रॉस हेयर होता है वो अलाइन हो जाता है आपकी लाइन ऑफ फायर के साथ में, यानी कि गन आपकी एकदम सीधी हो जाती है जब आप फायर करने लगते हो, नहीं तो लेफ्ट या राइट ही चलती रहती है जब आप मूवमेंट देते हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए एकदम क्लासिक एग्जांपल इसका। अब सबसे पहली चीज है कि इसने जो फायर करना स्टार्ट करा वो पहले कर दिया मेरे से, तो उसका जो क्रॉस हेयर था वो लाइन ऑफ फायर के साथ अलाइन हो गया। दूसरी चीज इसके पास में एडवांटेज ये था कि ये कवर की तरफ जाने वाला था और मेरे को जाना था कवर से बाहर इसको मारते हुए, जिससे मेरा लाइन ऑफ फायर एनिमी के साथ में अलाइन हो पाए। इस चीज को मैं पोजिशनल एडवांटेज बोलता हूँ और आपके पर्सपेक्टिव से कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें आप खुद कवर की तरफ मूव करते हो और जो एनिमी होता है वो खुद आपके लाइन ऑफ फायर में चलता चला आ जाता है। ये मोस्टली तब होता है जब आप अपने राइट साइड से फाइट लेते हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें लेफ्ट साइड से कभी फाइट लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। तो उसमें सिंपल सा केस यही है कि आपको पहले फायर रखना होगा, अपना प्री फायर बहुत पहले रखना होगा, जिससे आपका क्रॉस हेयर पहले ही अलाइन हो जाए आपके लाइन ऑफ फायर के साथ में। तो उस प्रिंसिपल के बारे में बात करने से पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि जो हमारा लाइन ऑफ फायर है उसके अंदर हमें ट्राई करना है कि हमारा एनिमी आए और जो एनिमी का लाइन ऑफ फायर है उससे हम लोगों को बचने का ट्राई करना है, जिसके लिए है मेरी अगली टेक्निक, जिसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको मिलेगा। कुछ समझे? नहीं समझे तो ये देखकर जरूर समझ जाओगे। पॉइंट ये है कि हम लोगों को जिगल फेस करने की और जिगल खुद करने की इतनी ज़्यादा हैबिट पड़ चुकी है कि हमारा जो फोकस है वो इसी चीज़ पे रहता है कि सामने वाला बंदा भी जिगल करने वाला है या फिर वो कवर की तरह जाएगा मारते हुए। तो अगर सामने वाला अच्छा प्लेयर है तो उसका एम ऑटोमेटिकली इसी तरीके से एडजस्टेड रहता है कि वो इस तरीके की मूवमेंट को आराम से रीड कर लेगा। और इवन अगर आप जिगल दे भी रहे हो और सामने वाला जो एनिमी है वो अपना एम मूव नहीं भी करता, तो आप खुद लेफ्ट राइट हो के उसके लाइन ऑफ फायर में चलते हुए आ जा रहे हो। तो पॉइंट यही है कि इस चीज़ का शिकार होने की जगह आप इस चीज़ को अगेंस्ट यूज कर सकते हो अपने एनिमी के, कि अगर आप मान लो कवर के पास में भी हो तो आप पहली मूवमेंट जो दोगे वो कवर की तरफ निकलते हुए दोगे और उसके बाद पूरा कवर से बाहर चले जाओगे, या फिर एक मूवमेंट अगर आप राइट की तरफ भाग रहे थे तो आप हल्का सा लेफ्ट जाओगे फिर पूरा राइट चले जाओगे।
इससे क्या होता है, जो एनिमी की मसल मेमोरी बनी हुई है जिगल को ट्रेस करने की, वो भी टूटती है। सेकेंडली आप मेहनत करवाते हो, उसका एम जो है, उसका जो लाइन ऑफ फायर है उसको चेंज करवाते हो, उसको ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और यही चीज़ मैं समझाने के लिए आपको रिविजिट करा दूँ उन दोनों एग्जाम्पल्स पे। अब यहाँ पर क्योंकि मैं एक बार फायर करके कवर में जा चुका था, एनिमी यही एक्सपेक्ट करता कि मैं लेफ्ट में जाऊँगा, इसलिए मैं पूरा राइट की तरफ चला गया। और जब मैं पलटा तो मैं हल्का सा लेफ्ट गया और उसके बाद पूरा राइट जाने लग गया, जिससे एनिमी थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। और मैं थोड़ा सा लकी भी था जो मेरे को यहाँ पे किल मिला। और यहाँ पर भी देखो मैंने सेम चीज़ करी, पहले मैंने दिखाया कि मैं लेफ्ट साइड में जाऊँगा कवर की तरफ, जिससे कि जो एनिमी का लाइन ऑफ फायर था वो चेंज हुआ कवर की तरफ और मैं पूरा कवर से बाहर निकल गया और उसको मार दिया। और यही सेम चीज़ जब एनिमी आपके सामने करता है तो कुछ इस तरीके से दिखती है। अब अगर आप इसको स्लो मोशन में देखो तो जैसे ही एनिमी लेफ्ट साइड में गया था तो मुझे लगा था वो कवर के अंदर जाएगा, तो मैं प्रेडिक्ट जो कर रहा था एम पूरा लेफ्ट साइड में ही कर रहा था। और जिस वजह से जब वो एकदम से राइट साइड में गया तो मुझे हल्का सा टाइम लगा एडजस्ट करने में, जिस वजह से मुझे एक एक्स्ट्रा बुलेट लगी और मैं वहीं पर फाइट हार गया। तो अब ये सब कुछ समझा देने के बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ उस प्रिंसिपल के ऊपर। अब वो प्रिंसिपल का नाम मैंने दिया है एल प्रिंसिपल। एल प्रिंसिपल का मतलब है अगर आपकी पोजीशन एल की शेप में बन रही है आपके एनिमी के साथ में तो आपको एडवांटेज रहेगा। अब जितना ये रिडिकुलस साउंड करता है उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है। और यही रीज़न है कि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, इतने अच्छे से पहले समझाया है, उसके बाद जाकर मैं इस प्रिंसिपल के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो एल प्रिंसिपल का मतलब हो गया अगर आपकी मूवमेंट जो है वो साइडवेज है, साइडवेज मतलब जिगल नहीं, या तो बिल्कुल लेफ्ट की तरफ है या तो बिल्कुल राइट की तरफ है, इनमें से एक जगह पर है और सामने वाला जो एनिमी है वो आपकी तरफ आ रहा है यानी कि स्ट्रेट आ रहा है, तो आपको उस फाइट में एडवांटेज रहेगा क्योंकि आपका लाइन ऑफ फायर जो रहेगा वो एकदम स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि आपका क्रॉस हेयर जो है वो अलाइन कर जाता है लाइन ऑफ फायर के साथ में जब आप साइडवेज रहते हो, या तो साइडवेज जा रहे हो या फिर आप पहले से ही फायर कर रहे हो। तो अगर फायर नहीं कर रहे हो ऑब्वियसली, अगर आप फाइट अप्रोच कर रहे हो तो अगर आप साइडवेज जा रहे होगे तो आपका क्रॉस हेयर ऑटोमेटिकली अलाइन रहेगा आपके लाइन ऑफ फायर से और आपकी बुलेट ज्यादा अच्छे से कनेक्ट होंगी आपके एनिमी पे। एग्जांपल के लिए देखिए ये सारी क्लिप्स, तो इस केस में मैं राइट साइड की तरफ जा रहा हूं और जो मेरा एनिमी है वो सीधा मेरी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर वो पहले फायर नहीं करता है, ध्यान से सुनेगा, अगर मैं पहले फायर करता हूं उससे तो मेरा क्रॉस हेयर जो होगा वो जल्दी अलाइन होगा मेरे लाइन ऑफ फायर से और उसको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसका एंगल अलग है। तो जब तक वो फायर करेगा उसका लाइन ऑफ फायर जब तक अलाइन होगा तब तक मेरे पास अच्छा खासा टाइम होगा कि मैं राइट साइड पूरा निकल जाऊं और उसको सारी बुलेट्स मार दूं, उसके लाइन ऑफ फायर को डॉज करते हुए उसको मैं मार दूं। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मुझे पता है यहाँ पर तुम लोग बोलने वाले हो भाई यहाँ पर तो तू खुद ही जिगल दे रहा है, तो थंबनेल में ऐसे ऐसे वर्ड्स क्यों लिखता है। तो देखो पॉइंट यही था कि जितना ज़्यादा फोकस रखते हो जिगल के ऊपर उतना ज़्यादा रखना यूजलेस है। और इस टाइम फिर से मेरी पोजीशन देखो, मेरा क्रॉस हेयर मेरे लाइन ऑफ फायर से एकदम अलाइन हो चुका है क्योंकि मैं साइडवेज जा रहा हूँ और फायर भी कर रहा हूँ, तो जो एनिमीज आएंगे उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। अब मेरे सामने दो एनिमीज हैं लेकिन इन दोनों से पहले ही मैंने अपना लाइन ऑफ फायर अलाइन कर दिया इनके साथ में, तो इन लोगों को ज़्यादा डैमेज पड़ना तय था और मेरे को खुद एक ही बुलेट लगी और इन दोनों को मैंने अच्छा खासा डैमेज डील भी कर दिया जस्ट बिकॉज मैं साइडवेज जा रहा था और ये लोग सामने से आ रहे थे और मैंने पहले फायर कर दिया। अब इस केस में उल्टा हुआ, मैं सीधा जा रहा था और एनिमी साइडवेज जा रहा था, तो उसके लिए देखो कितना आसान था मुझे मारना। ऑल्दो मुझे डैमेज पीछे से पड़ गया बट पॉइंट ये था कि मेरा एनिमी कितने आराम से डॉज कर गया था मेरे लाइन ऑफ फायर को। तो आप ये सब चीजें देखने के बाद बोलोगे कि हर कोई सूरमा होता है भाई टीडीएम के अंदर, तो सारे क्लिप्स उसी के दिखा रहा है, तो इसका एग्जाम्पल इसी चीज को अप्लाई होता हुआ देख लीजिए आप कंपैरेटिव में। अब पॉइंट फिर से यही है कि मैं लेफ्ट साइड में जा रहा था और एनिमी मेरी तरफ आ रहा था तो मेरे पे एडवांटेज था, बट मेरी हेल्थ लो थी तो मेरे लिए प्री फायर देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो पॉइंट यही है कि जब आपका क्रॉस हेयर लाइन ऑफ फायर से अलाइंड रहता है तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है क्लोज रेंज फाइट्स में, और जब एल प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो वाली पोजीशन बन रही होती है तो वो चीज़ ज़्यादा आसानी से अचीव हो जाती है। आप अगर पहले प्री फायर कर रहे हो या अपनी फेवरेबल कंडीशन में फ़ाइट ले रहे हो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा ही, ये चीज़ आप बिना इसको अप्लाई करे भी कर सकते हो। और इसके अलावा जेनी को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।